फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों को ज्ञात करेंगे यदि उनके कोणों का अनुपात दिया हो। ठीक है, जैसे इस सवाल में एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का अनुपात 2:3:5 है तो इनके सभी अंतः कोणों के माप बताइए। ठीक है, हमें जो कोणों का त्रिभुज दिया है उस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का अनुपात दिया है 2:3:5, तो इसके सभी कोणों के माप बताना है। इसको हम एक आसान तरीके से ज्ञात करेंगे। इसे पहला कोण क्या हो जाएगा कि पहला कोण इज इक्वल टू अनुपात बटा अनुपातों का योग। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम ज्ञात करेंगे। तो पहला कोण जो है वो क्या है कि पहला कोण ज्ञात करना है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, अनुपात अपान अनुपातों का योग। अब अनुपात जो दिया है इसमें अनुपात के स्थान पर हम ये वाला लिखेंगे क्योंकि हमें पहला कोण ज्ञात करना है, तो ऊपर हम लिख देंगे 2 और यहां होगा 180 भी होगा इंटू 180, तो अनुपात के स्थान पर लिखेंगे 2 और बटे में अनुपात का योग है, तो अनुपातों का योग है मतलब 2+3+5, तो ये हो जाएगा 2+3+5 और इंटू में 180, ये हो जाएगा 2/2, 3 5 और 5 ये 10 हो जाएगा, 10×180, इससे इसको काट देंगे तो 10 × 10 और ये 10×8 आया 18 और इन दोनों को गुणा कर देंगे तो ये आएगा 36, यानी कि पहला जो कोण होगा वो 36 अंश का होगा। और दूसरा इसी प्रकार दूसरा कोण इज इक्वल टू अनुपात अपान अनुपातों का योग। तो यहां पर और इंटू 180 हो जाएगा। यहां पर जो अनुपात का प्रयोग करेंगे ये दूसरा कोण है इसलिए 3 हो जाएगा, तो यहां ऊपर लिख देंगे 3 और नीचे हो जाएगा अनुपातों का योग यानी कि 2+3+5, तो 2+3+5 और इंटू में 180। यहाँ पर ये 3 तो ऐसे रहेगा और नीचे 2, 3, 5 और 5 ये मिलकर हो जाएगा 10×180 हो जाएगा। इससे इसको भाग करेंगे तो आएगा 10×10 और 10×18 80, मतलब 10 से इसको भाग करेंगे तो आएगा 18 और 18 3 54, ये हो जाएगा 54, यानी दूसरे कोण का जो माप है वो 54 डिग्री है। इसी प्रकार तीसरा कोण भी ज्ञात कर लेंगे। तीसरा कोण इज इक्वल टू हो जाएगा ऊपर फिर अनुपात हो जाएगा यानी अनुपात अपान अनुपातों का योग। अब इसमें अनुपात जो है इसका प्रयोग करेंगे कि अनुपात ये 5 है, तीसरे कोण के लिए जो अनुपात दिया था 5 दिया था, इसलिए ऊपर हो जाएगा 5 और बटे में 2+3+ और यहां पर 180 होगा +5×180, तो ये हो जाएगा ऊपर 5 तो ऐसे रहेगा और अपान में 10 हो जाएगा और इंटू में 180, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 18 और 18×5=90। ठीक है, इस प्रकार तीनों कोणों का माप मिल गया। जैसे पहले कोण का माप कितना आया 36, दूसरा आ गया 54 और तीसरा 90 डिग्री।